3 जुलाई नू पाक माकलीसिया भारत दे रसूल संत थॉमस की ईद मनाउंदी है। संत थॉमस प्रभु की पैरवी करन लई हमेशा समर्पित रहा। उसने अपने साथी चेलियां नू कहा, असी भी चलीए तां जो असी भी उस दे नाल मरीए। अजिही हिम्मत के बावजूद भी संत थॉमस प्रभु येसु की सलीबी मौत दे वेले उस दे नाल नहीं सी। अते प्रभु येसु मसीह दे जी उठन बारे भी उसने शक किया ते कहा, जदों तक मैं उसके हत्थां विच किल्लां दे निशान ना वेखां अते किल्लां दे निशानां विच अपनी उंगली ना पावां अते उसकी वखी विच अपना हथ ना पावां मैं मन्नांगा नहीं। 8 दिनां बाद प्रभु येसु मसीह ने चेलियां नूं दर्शन देण दे वेले थोमा नूं आख्या, अपनी उंगली इत्थे पा अते मेरे हत्थां नूं वेख, अपना हथ अगे कर अते मेरी वखी विच पा, विश्वासहीन ना रह सगो मनन वाला बन। थोमा ने उत्तर दिता, मेरे प्रभु मेरे खुदा। संत थोमा ने 46वीं सदी विच गोंडाफर राजा दे राजकाल विच पंजाब दे तकसीला शहर विखे अंजील दा प्रचार किया। दोबारा 52वीं सदी विच केरला विखे प्रचार किया अते 7 गिरजां दी उसारी भी की। 72वीं सदी विच चेन्नई दे संत थॉमस माउंट ते शहादत प्राप्त की। अते अज उन्हां दा पावन शरीर सांतो महागिरजाघर महिलापुर विखे अलतार दे हेठ कबर विच मौजूद है। आप सब नूं संत थॉमस रसूल दी ईद दियां लख लख वधाइयां।